अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। दिस इज़ फरहान वहीद, लेक्चरर कॉमर्स ऑफ लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस। टुडे आवर टॉपिक इज़ क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। द कोर्स डिजाइन बाय द पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर हेले कॉलेज। आज हमारा जो सब्जेक्ट है ये है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एक अच्छा बिजनेसमैन, एक कामयाब बिजनेसमैन कौन होता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और काइंड्स ऑफ बिजनेस। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो हम अब मैं आपसे शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएटिव एंड डिसीजन मेकिंग, कि बिजनेसमैन जो होता है वो इनिशिएट लेता है। देखें, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, कॉमर्स मीन बिजनेस है, तिजारत है, बिजनेस और तिजारत कॉमर्स में आती है। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन इनिशिएट नहीं लेते, इनिशिएट लेने से डरते हैं। देखिए, इनिशिएट लेना लाजमी होता है, आप कदम बढ़ाएं, आप स्टेप अपना स्टेप अप करें। इनिशिएशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अ सक्सेस इन बिजनेस डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। Quick changes take place in business environment. If a businessman suffers from uncertainty, he may lose business opportunity. Therefore, it is essential for a successful businessman to make quick and correct decisions. Ki means ke wo initiate le, wo initiate se murad ye hai ki wo apne time to time decisions ko change kare, wo opportunities ko avail kare, wo better decision kare, positive decision kare, timely decision kare. तो डिसीजन मेकिंग इन इज वन ऑफ द बेस्ट एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेसमैन। तो इनिशिएट लेना, क्या आप इनिशिएट लें, आप कदम बढ़ाएं, आप स्टेप लें, आप डरे ना किसी चीज से। हम फाइनेंस में पढ़ते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, अगर रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। तो रिस्क लें लाइफ में, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, एक बार मिलती है, देखें उसमें हम रिस्क लेना चाहिए, लेकिन उस जगह रिस्क लेना चाहिए जहां हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर हो। जहां हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है वहां हम क्या रिस्क लेना, वहां तो लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनिशिएट एंड डिसीजन मेकिंग इन वन ऑफ द बेस्ट टूल ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। द सेकेंड वन इज डिटर्मिनेशन एंड करेज। एक डिटर्मिन शख्स हो, डिटर्मिनेशन हो उसके अंदर, एटलीस्ट उसे पता हो कि मेरा मकसद क्या है, मैंने कहाँ जाना है, मेरे ऑब्जेक्टिव का क्या है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। अंदर करेज हो, मोटिवेशन हो, पावर हो, स्किल्स हो, लर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो, अपॉर्चुनिटीज अवेल करें मैक्सिमम। तो अ बिजनेसमैन मस्ट पोसेस क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन। एक स्ट्रॉन्ग विल हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो उसके अंदर। ही शुड टेक एडवाइस फ्रॉम अदर पीपल बट मेक हिज ओन डिसीजन। वो दूसरों की सुने, दूसरों से एडवाइसिस ले बट अपना डिसीजन ले। अलामा इकबाल का शेर है जिसका एक फिक्रा मुझे याद है, बहुत मोटिवेशन देता है मुझे कि तू अपना नहीं बन, तू मेरा नहीं बनता, ना बन अपना तो बन। यानी कामयाबी क्या है, कामयाबी ये नहीं है कि आपको कितने लोग जानते हैं, कामयाबी ये है कि आप खुद को कितना जानते हैं, अपने आप को पहचानें, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटी, अपने आप को मोटिवेट करें। फर्दर एवरी बिजनेस फेसेस प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज बट अ बिजनेसमैन मस्ट हैव करेज एंड पेशेंस टू फेस दिस प्रॉब्लम्स। स्टार्ट में तो आपको पता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, बट
सबर के साथ, पेशेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, एक गुड विल एंड स्ट्रॉन्ग विल के साथ अपने इस मकसद को जारी उसारी रखे, तो इंशाल्लाह वो कामयाब बिजनेसमैन बनेगा। एंड थर्ड वन इज इंटेलिजेंट एंड अलर्ट। बिजनेसमैन को इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। एक अकलमंद, एक बाशऊर बिजनेसमैन बिजनेस को जानना, बिजनेस को पहचानता हो, बिजनेस को जानता हो, बिजनेस को ए टू जी उनकी चीजों को समझता हो, अ बिजनेस मस्ट बी इंटेलिजेंट, अ बिजनेसमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट एंड अलर्ट। ही मस्ट बी अलर्ट टू बिजनेस थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। वो अलर्ट हो कि बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, बिजनेस के थ्रेट्स क्या हैं। ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द चेंज टेक प्लेस इन लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। वो उस पता हो कि लोकली और इंटरनेशनल मार्केट में क्या तब्दीलियाँ और क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। ही मस्ट बी इंटेलिजेंट एनफ टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। वो एडवांटेजेस ले सके अपॉर्चुनिटीज से, वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहे, वो मौके का फायदा उठाए, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखे। अलर्ट का मतलब ये है कि परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट सर्कमस्टांसेस आइदर लोकली और इंटरनेशनली। इंटेलिजेंट मीन के रैशनल हो, बाशऊर हो, दूरंदेश हो, फोरकास्टर हो, डिमांड सप्लाई को समझता हो, तो वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है। तो क्वालिटीज है, जो शख्स अलर्ट होता है, जो शख्स इंटेलिजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग विल के साथ, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, करेज के साथ बिजनेस करता है। देखिए, बिजनेस अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी नेमत है। हमारी क्लासेस में अक्सर डिस्कशन हम करते हैं बिजनेस को, तो बिजनेस क्या है? लास्ट टाइम मेरे लेक्चर में आपने सुना था ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। देखें, एक मलकियत मिलती है आपको, एक ऑनरशिप मिलती है, जिससे इंसान के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग करेज और विल पैदा होती है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई हैं, तो ये तीनों का होना जरूरी है। तो फोर्थ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? एक लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। अ बिजनेसमैन मस्ट पोसेस द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन लॉयलिटी एंड कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। द कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज डिपेंड्स ऑन देयर इंटरेस्ट इन वर्क। देखें, लीडर वो होता है जो अपनी टीम को लेकर चलता है, जो लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट। खुद आप इंटरेस्ट लें, खुद आप मेहनत करें, आप इंटरेस्ट देखकर आपके एम्प्लॉयज आपके साथ चलेंगे, आपके साथ कॉपरेट करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप खुद डीमोटिवेट होंगे, आपके अंदर करेज नहीं होगी, तो आपके एम्प्लॉयज भी आपके साथ उस तरह तआवुन नहीं करेंगे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। आप खुद काम करें, आप करके दिखाएं, मोटिवेट करें उनको, अपने ऑब्जेक्टिव बताएं। तो देन एक अच्छा लीडर तो वही होता है जो टीम को लेकर चलता है, जो इंजन का किरदार अदा करता है, पूरे डब्बों को लेकर चलता है। देन द फिफ्थ वन इज मोरल, बिजनेस मोरालिटी। तो बिजनेस मोरालिटी इन्वॉल्व्स एथिकल प्रिंसिपल विच मस्ट बी फॉलो बाय अ बिजनेसमैन। एथिकल प्रिंसिपल है कि आपके अंदर एथिक्स होनी चाहिए, इखलाकियात होने चाहिए, उन कायदों कवानीन को आप फॉलो करें जो अखलाकियात सिखाते हैं। ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन बिजनेस। ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, और फॉरवर्डनेस, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें आप क्लियर डेफिनेट बात करें। एक अच्छा बिजनेसमैन जिसके अंदर अखलाकियात होती हैं, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, जिससे उसके एम्प्लॉयज खुश हों, जिसके उसके एम्प्लॉयज अपनी जान तक देने को तैयार हों, जिसके लिए एम्प्लॉयज बहुत हार्ड वर्क करने के लिए उसके लिए तैयार हों, वो लीडर कहलाता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लीडर्स हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड।
देखें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन कितनी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार थे उनके लिए, हर सहाबा हर शख्स उनके लिए ऊपर जान देने को तैयार था, इसे कहते हैं लीडर। तो हमें उनके साथ उनसे सीखना चाहिए लीडरशिप क्वालिटीज क्या थी उनके अंदर। अ बिजनेसमैन हु ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाय डिसऑनेस्ट मीन्स कैन नॉट एस्टैब्लिश हिमसेल्फ परमानेंटली इन द बिजनेस वर्ल्ड। अगर आप डिसऑनेस्टली और बेईमानी के साथ पैसा कमाएंगे प्रॉफिट कमाएंगे तो आप परमानेंटली बिजनेस में नहीं रह सकते। ऑनेस्टली स्लो एंड स्टेडी आपने रन करना है, ईमानदारी के साथ चलना है, कभी बेईमानी नहीं करनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, कभी शक व शुभात में नहीं रखना। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। हाँ, एक ट्रेंड होना बहुत जरूरी है बिजनेसमैन का और एजुकेशनिस्ट। एक अनपढ़ भी बिजनेस करता है, एक एजुकेशनिस्ट भी बिजनेस करता है, जो पढ़ा लिखा बिजनेस करता है वो कभी भी अनपढ़ नहीं कर सकता। पढ़े लिखे के अंदर जो सलाहियत, डिटर्मिनेशन, जो विल्स, जो आय उसकी होती है, जो आप उसकी दिमाग होता है, वो एक अनपढ़ का नहीं हो सकता। बिजनेस हैज बिकम हाईली कंपेटिटिव। इट इज रिस्की टू स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट को जानने बगैर बिजनेस का करना वो बहुत बड़ा रिस्की होता है। बेटर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हेल्प अ बिजनेस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दैट अराइज इन बिजनेस एंड टू फाइंड सिचुएशन फॉर देम। तो ट्रेनिंग और एजुकेशन ये बिजनेस का एस्पेक्ट को सिखाती है। बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी उनको कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग अंडरस्टैंड करता है बिजनेस में। तो एजुकेशन हमें बिजनेस के रूल्स, बिजनेस के रेगुलेशंस, असूल तिजारत क्या है वो सब समझाता है, सिखाता है। उसके बाद टाइम सेंस होने चाहिए कि किस वक्त हमें क्या लॉन्च करना चाहिए, वक्त की ज़रूरत क्या है, इस वक्त हमसे क्या डिमांड कर रहा है, वक्त बदल रहा है, मोल्ड हो रहा है, हमें उसकी तरफ मोल्ड होना चाहिए, हमें ट्रेंड देखना चाहिए, हमें फैशन देखना चाहिए, हमें लोगों की सोचों को ऑब्जर्व करना चाहिए, मुल्क के हालात को मद्देनजर रखना चाहिए, ट्रेड साइकिल में हमने देखना चाहिए कौन सा फेज चल रहा है। तो टाइम सेंस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उसके बाद रेगुलरिटी एंड रिलायबिलिटी। रेगुलरिटी होनी चाहिए बिजनेस में। रेगुलरिटी क्या है कि आप अपने आप को इस्तकामत आपके अंदर हो, बाकायदगी आपके अंदर हो, बेजाब्तगियाँ ना हो, बेकायदगियाँ ना हो, और रिलायबल हों आप अपने बायर के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आप रिलायबल हों, अपने बिजनेस के लिए आप रिलायबल हों। जितना बिजनेस को वक्त देंगे, जितना बिजनेस के लिए मेहनत करेंगे, उतना अल्लाह पाक आपको तरक्की देगा, उतना आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। पीन लें बिजनेस के लिए, अप्स एंड डाउन आते हैं, मसाइल आते हैं, इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग डिस्करेज करते हैं, बट आपने डटे रहना है। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी होती है। रेगुलरिटी सिर्फ बिजनेस में नहीं, दुनिया के किसी भी काम में ले लें। आप जॉब्स करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप नेक आमाल करते हैं, तो उसके अंदर आपको रेगुलर होना ज़रूरी है। रेगुलर शख्स ज़िंदगी में कामयाब होता है। रिलायबिलिटी तब आती है जब आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, लॉयलिटी के साथ काम करते हैं, पेन लेकर काम करते हैं। देन द
अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज स्किल्स. विदाउट स्किल वी कॉन्ट एबल टू डू एनीथिंग. स्किल्स क्या है? अ बिजनेसमैन डील्स विद वेरियस पीपल एवरी डे एंड टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस. रोजाना बेसिस पे कितने लोगों से मिलना होता है और अच्छा बेहतर और पॉजिटिव डिसीजन लेना होता है. द बिजनेस एग्रीमेंट्स एंड नेगोशिएशंस मस्ट बी कैरीड आउट ऑन कॉन्फिडेंस एंड स्किल. आप जो अपनी बेहतर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, आपके अंदर स्किल्स होंगे तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे. इट इज नेसेसरी दैट बिजनेसमैन अप्लाई प्रॉपर स्किल्स टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज. बेहतर उसके पास डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए. बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि उसके यहाँ बेहतर उसके डिसीजन मेकिंग होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए. तो ये स्किल्स होती हैं कि किस तरह से हमने बात करनी है, किस तरह से हमने सोचना है, किस तरह से समझना है, किस तरह से एक्ट करना है. ये सब स्किल्स होती हैं, इन्हें स्किल्स कहते हैं. लोगों के स्किल्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, अपनी स्किल्स को किस तरह बेहतर और यूटिलाइज करना है, इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से हम जब कंट्रोल करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो इंशाल्लाह हम कामयाब बिजनेसमैन बन पाएंगे. एंड कॉर्टेसी, रहमदिली भी हो, गुड मेमोरी हो, कॉपरेशन के साथ काम करें लोगों के साथ, लोगों से कॉपरेट करें, प्लेजेंट पर्सनैलिटी एंड गुड हेल्थ हो. खूबसूरत होना और अच्छी सेहत होना अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है. तो एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि वो पर्सनैलिटी उसकी ग्रूम करे, वो अपने आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करे, अपने आप को बेहतर करे. और इसके अलावा और भी क्वालिटीज़ होती हैं, तो इन तमाम चीज़ों को एक बिजनेसमैन अपने अंदर लेकर आए. तो जब अपने अंदर इन बिजनेसमैन अपनी चीज़ों को लेकर आएगा, तो वो एक कामयाब इंसान बनेगा, कामयाब बिजनेसमैन बनेगा. नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.